जय हिंद दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने साइमन कमीशन के बारे में देखा था, विच केम टू इंडिया इन 1928। टुडे वी विल बी स्टडिंग अबाउट लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस। लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस इसलिए इम्पोर्टेंट सेशन है कांग्रेस का, बिकॉज यहाँ पे कंप्लीट इंडिपेंडेंस या फिर पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई थी। तो कुछ एक फैक्ट्स हैं जो इससे रिलेटेड हैं, वो हम देख लेते हैं। उससे पहले एक छोटी सी समरी दी हुई है, वो भी देख लेते हैं। तो क्या होता है कि अहमदाबाद सेशन होता है 1921 में, और मौलाना हसरत मोहानी इन्होंने डिफ़ाइन किया था स्वराज को, ठीक है। तो इन्होंने ये जो वर्ड है स्वराज, इसको कम्प्लीटली इसको डिफ़ाइन किया कि ये कम्प्लीट इंडिपेंडेंस है एंड इट इज़ फ्री फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ फॉरेन कंट्रोल। और एक रेजोल्यूशन पास किया कि डिमांडिंग कांग्रेस टू अडॉप्ट द कम्प्लीट इंडिपेंडेंस एज इट्स गोल, ठीक है। सी आर दास को इलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट कांग्रेस अहमदाबाद सेशन का 1921 में। बट उन्होंने जो सेशन प्रिसाइड किया था, इट वॉज बट द सेशन वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय हाकिम अजमल खान, ठीक है, बिकॉज सी आर दास जेल में थे। फिर कैलकटा सेशन होता है 1928 का। तो कांग्रेस ने अल्टीमेटम दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि या तो भाई आप एक्सेप्ट कर लो द रिकमेंडेशन जो नेहरू रिपोर्ट में दी थी और फेस अ मास मूवमेंट, या फिर अब हम मास मूवमेंट करने के लिए नाउ वी आर रेडी एंड वी विल बी डूइंग अ मास मूवमेंट, ठीक है। तो नेहरू रिपोर्ट में क्या दिया था, बाकी बहुत सारी चीज़ें थी फंडामेंटल राइट्स वगैरह के बारे में दिया गया था, बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि डोमिनियन स्टेटस की डिमांड की थी। बट गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया नेहरू रिपोर्ट पे, एंड इट कम्पेल्ड द कांग्रेस कि उन्होंने अनाउंस किया पूर्ण स्वराज अपने गोल के तौर पे इन द हिस्टोरिक लाहौर सेशन इन 1929, जिसको लीड कर रहे थे, जिसको प्रिसाइड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू जी। फिर 31 दिसंबर 1929 को विद द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट कांग्रेस प्रेसिडेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने हमारे भारतीय झंडे को फहराया एंड इंडियन फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंस कहाँ फहराते हैं, बैंक ऑफ रावी रिवर, तो रावी नदी के किनारे किया गया, लाहौर में हुआ था ये सेशन। कांग्रेस वर्किंग कमेटी एट द सिटिंग ऑफ 2 जनवरी 1930 इन्होंने डिसाइड किया कि 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वराज डे के तौर पर मनाएंगे एंड टू सेलिब्रेट 26 जनवरी एवरी ईयर एज पूर्ण स्वाधीनता दिवस। तो 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के तौर पर मनाया जाएगा, ये 1930 के 26 जनवरी के बारे में डिसाइड किया गया था। नेहरू सेड दैट वी हैव ओनली दैट वी हैव वन एंड ओनली गोल, दैट इज़ इंडिपेंडेंस फॉर अस, सेल्फ रूल इज़ कम्प्लीट इंडिपेंडेंस। कांग्रेस ने 31 दिसंबर 1929 को अनाउंस किया था कुछ रेजोल्यूशन जिसमें कि देर वर सम इम्पॉर्टेंट डिसीजन्स दैट देर इज़ नो बेनिफिट फ्रॉम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। उन्होंने बोला कि भाई RTCs जो हो रही हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उससे कोई बेनिफिट नहीं है। रिनन्सिएशन ऑफ प्लान ऑफ डोमिनियन स्टेट, जो नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी, उसको ख़त्म करेंगे। वी विल बी डिमांडिंग फॉर पूर्ण स्वराज। स्वराज का मतलब होता है कम्प्लीट इंडिपेंडेंस, अपना राज, स्वराज मतलब खुद का राज। ऑल इंडिया कांग्रेस विल स्टार्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट व्हेन डीम्ड नेसेसरी, ठीक है। तो ऑल इंडिया कांग्रेस जो है, इट विल स्टार्ट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब भी उनको ऐसा ज़रूरी फील होगा, बिकॉज दे हैड ऑलरेडी आस्क द ब्रिटिश गवर्नमेंट कि आप मतलब या तो हमें डोमिनियन स्टेटस सॉरी प्रोवाइड, या तो जो डिमांड्स है नेहरू रिपोर्ट की वो देखिए, अदरवाइज वील बी लीडिंग फॉर अ मास मूवमेंट। तो कांग्रेस ने तो कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं, तो उसके लिए इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया था कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये एक बैकग्राउंड है इसका, बाकी देखते हैं हम आगे क्या इसमें बाकी चेंजेस हुए हैं। तो ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज दैट स्वराज शुड बी डिफाइंड एज कम्प्लीट इंडिपेंडेंस फ्री फ्रॉम ऑल फॉरेन कंट्रोल। तो ये किसने बताया था, ये बताया था मौलाना हसरत मोहानी ने, और ये कब बताया था, 1921 में उन्होंने डिफाइन किया था इस चीज़ को, ठीक है, 1921 में। सो कब किया था, अहमदाबाद सेशन जो हुआ था 1921 का, उसमें उन्होंने प्रपोज किया था कि स्वराज जो है उसको कम्प्लीट इंडिपेंडेंस होना चाहिए, दैट इज़ फ्री फ्रॉम ऑल फॉरेन कंट्रोल, और ये कांग्रेस का गोल होना चाहिए। हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स प्रपोज टू अडॉप्ट कम्प्लीट इंडिपेंडेंस एज द गोल ऑफ कांग्रेस इन अहमदाबाद सेशन ऑफ 1921, सो हसरत मोहानी। वेन डिड कांग्रेस पास द प्रपोजल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, तो पास कब किया गया, पास किया गया 1929 में। कांग्रेस ने अल्टीमेटम दिया कैलकटा सेशन में ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि नेहरू रिपोर्ट को या तो मान लो या फिर आप मास मूवमेंट को फेस करने के लिए रेडी रहो, जो कि कांग्रेस लॉन्च करेगी।
ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस नोटिस को उस मतलब इसको जो वार्निंग दी गई थी उसको कोई खास ध्यान नहीं दिया उस पर. एज अ रिजल्ट लाहौर सेशन जो हुआ इन द चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू 1929 दिसंबर में, और प्रपोजल आया इसमें इंडियाज़ इंडिपेंडेंस हैड बीन डिक्लेयर्ड बाय हिम फॉर द फर्स्ट टाइम. जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर 1929 को ही होस्टेड द फ्लैग ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी लाहौर में, एंड कांग्रेस ने अपनी मीटिंग में जनवरी की डिसाइड किया कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे स्वाधीनता दिवस, पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा 26 जनवरी 1930 को. इसीलिए 26 जनवरी को अब जो हम रिपब्लिक डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं टू कमेमोरेट दिस डे. ठीक है. बिफोर 1947 26 जनवरी वॉज कॉल्ड एज पूर्ण स्वराज दिवस, पूर्ण स्वराज दिवस बोला जाता था. लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1929, तो ये प्रपोजल आई हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. नेक्स्ट, द प्रपोजल ऑफ पूर्ण स्वराज वॉज पास इन लाहौर कांग्रेस इन द ईयर 1929. विच डे वॉज डिक्लेयर्ड एज पूर्ण स्वराज? सो 26 जनवरी 1930. हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जब पास हुआ था? जवाहरलाल नेहरू. हु डिक्लेयर्ड द एम ऑफ कांग्रेस एज पूर्ण स्वराज इन द लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस? दैट इज जवाहरलाल नेहरू. हु होस्टेड द फ्लैग एट मिड नाइट ऑफ डिसंबर 31, 1929? डॉक्टर सॉरी पंडित जवाहरलाल नेहरू. हु रेज द फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंस एट द कांग्रेस सेशन ऑफ 1929? पंडित जवाहरलाल नेहरू. वेन वॉज द न्यूली अडोप्टेड ट्राई कलर फ्लैग ऑफ फ्रीडम होस्टेड? ये हुआ था 31 दिसंबर 1929 को. विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय जवाहरलाल नेहरू फॉर द फर्स्ट टाइम? तो पहला ही सेशन इन्होंने प्रिसाइड किया था 1929 में, और इसी में पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई थी. द लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडियन हिस्ट्री बिकॉज द कांग्रेस पास्ड अ रेजोल्यूशन डिमांडिंग द कंप्लीट इंडिपेंडेंस. ट्रू, द रिफ्ट बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स वर रिजॉल्व. नहीं, ये बहुत पहले हो गई थी, 1916 की बात हम कर रहे हैं. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द लखनऊ सेशन, द लखनऊ पैक्ट, ठीक है, जिसको प्रिसाइड किया गया था अंबिकाचरण मजूमदार के द्वारा. उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था एनी बेसेंट जी ने. अ रेजोल्यूशन वॉज पास रिजेक्टिंग द टू नेशन थियरी इन दैट सेशन. ये भी सही नहीं है, ओनली वन इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, टू नेशन थ्योरी कभी भी अपोज नहीं की गई थी ड्यूरिंग लाहौर सेशन, दो इट वॉज अपोज बाय कांग्रेस एज अ पॉलिटिकल पार्टी. 1929 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इज ऑफ सिग्निफिकेंस इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट बिकॉज यहाँ पर पूर्ण स्वराज का गोल अडॉप्ट किया गया था. देखिए दोनों इसमें ऑप्शन है, कंफ्यूज मत होइएगा. सेल्फ गवर्नमेंट का की बात नहीं की गई है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ कांग्रेस. गोल ये था कि हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, आप छोड़ के चले जाइए. नाउ वी नीड अ कंप्लीट फ्रीडम, ठीक है, कोई सेल्फ गवर्नमेंट नहीं, कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं, नथिंग, वी नीड कंप्लीट फ्रीडम. In which of the following sessions of Indian National Congress Purn Swaraj was declared? Lahore 1929. For the first time, Purn Swaraj was declared by Congress at Lahore. The president of Lahore session of Indian National Congress was, he was Jawaharlal Nehru. Which of the following was not included in the resolutions of Lahore session of Congress? Declaration of India's foreign policy, declaration of complete independence, preparing to launch civil disobedience movement, एंड अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. देखिए अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात इसमें नहीं हुई थी, ऑल दो बाकी सारी चीज़ें देखी गई थी. बेनिफिट नहीं है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से, डोमिनियन स्टेटस का जो प्लान है वो रिजेक्ट रिनंसिएट किया गया. स्वराज को कंप्लीट इंडिपेंडेंस माना गया, एंड मास मूवमेंट हो सकता है कभी भी जब भी ज़रूरत पड़ती है. अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी मैंशन नहीं था इस प्रपोजल में. राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को आप मान सकते हो फॉरन पॉलिसी, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी को डिक्लेयर करना, तो वो एक तरीके से उस समय इंडिया रूल तो कर नहीं रहा था, ब्रिटिश इंडिया बोला जाता था, ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे इंडिया पर. तो इंडिया एज अ पार्टी जो डोमिनेट कर रही थी वो ये बोल रही थी कि भाई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से कोई बेनिफिट नहीं. तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ हो रहा है? अल्टीमेटली इंग्लैंड में हो रहा है, तो उसको हम अपनी फॉरन पॉलिसी मान सकते हैं. ठीक है, इट वॉज प्राइमरीली पास्ड इन द कांग्रेस सेशन. दैट देर मस्ट बी अ फॉरन पॉलिसी फॉर इंडिया. तो 1921 में ये जो रेजोल्यूशन पास ज़रूर हुआ था कि हाँ भाई एक फॉरन पॉलिसी होनी चाहिए इंडिया के लिए,
जिसमें कि स्वराज वर्ड को भी डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट इज द पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन अडॉप्टेड एट लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज मूव बाय जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए 19 क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, तो क्वेश्चन इसमें 90% क्वेश्चन तो एक ही तरीके के हैं, एक दो क्वेश्चन अलग फैक्ट हैं वो आपने देख ही लिए होंगे, याद कर लिए होंगे। तो इस तरीके से बस रिवाइज करते जाइए। अब ये छोटे छोटे चैप्टर्स हमारे पास बचे हुए हैं, छोटे का मतलब कि जिनमें फैक्ट्स हैं पर्टिकुलर चैप्टर को लेकर, ईजी हो जाता है लर्न करना यहाँ से, तो इसको यहाँ से जल्दी देखेंगे और उसके बाद आप अपने फैक्ट्स को रिवाइज़ कीजिए। फिर आप अपने साथ में, जैसा कि मैंने बोला है कि आप अपने कुछ पेपर्स को भी सॉल्व करते रहिए, PYQs सॉल्व करते रहिए, सो दैट आपका जो एक कंटिन्यूटी है। यहाँ तो क्या होता है कि चैप्टर वाइज होता है, तो चैप्टर वाइज है तो हमको पता चल जाता है आंसर को देख के भी कभी कभी जनरली, कि हाँ भाई ये आंसर होना चाहिए इसका पर्टिकुलर जो भी टॉपिक है या क्वेश्चन है। बट आप इसको रैंडम एक क्वेश्चन पेपर के तरीके से सॉल्व करेंगे, देन यू विल कम टू नो कि आप कितना याद रख पा रहे हैं चीज़ों को। सो प्लीज़ कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग, पेपर सॉल्व करते रहिए, PYQs करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।